अधिवक्ताओं ने एसडीएम का किया घेराव, अभद्रता का लगाया आरोप। मामला पीलीभीत जिले की पूरनपुर तहसील से है, जहां परिसर में आज अभिवक्ता संघ के पूर्व महामंत्री कौशलेंद्र भदौरिया किसी काम से एसडीएम के ऑफिस में गए थे। इस दौरान उन्होंने कुर्सी को खींचा और उस पर बैठ गए। आरोप है कि तभी एसडीएम ने उनको कुर्सी से उठाकर खड़े होकर बात करने को कहा, जिससे नाराज अधिवक्ता ने इसकी जानकारी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजय सक्सेना से की। मेरा नाम कौशलेंद्र सिंह भदौरिया एडवोकेट है, मैं पूर्व महामंत्री हूँ, प्रगतिशील अधिवक्ता एसोसिएशन पूरनपुर का। आज आप लोगों ने एसडीएम का घेराव किया, क्या हो रहा है? आज प्रातः मैं एक छोटे से काम के लिए आया था, मैंने कुर्सी उठा के बैठना चाहा तो माननीय जिलाधिकारी महोदय बोले वहीं खड़े होकर बात करो। मैंने पर्चे दिया कि मैं अधिवक्ता हूँ, क्या खड़े होकर बात करूँ? तो बोले हाँ खड़े होकर बात करिए। बाद में फिर बोले वो मैंने पहचाना नहीं, मैंने ये नहीं करा। फिर बातचीत से सारा मामला निपट गया, उन्होंने सॉरी बोली है। एक अधिकारी को इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि कौन है, कैसा है, क्या काम से आया है। और एक आम पब्लिक भी है तो उसे भी है उप जिलाधिकारी महोदय कि आप इसमें आने का, कुर्सी पर बैठने का। पूरा मामला आज रहता, एक अधिवक्ता महोदय हैं भदौरिया जी, वो आए चैम्बर में, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बैठने के लेकर उनको लगा कि उनका जो है सम्मान नहीं किया, इसलिए वो गए। बाद में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष महोदय और सभी अन्य सम्मानित अधिवक्ताओं की मौजूदगी में वार्ता करके जो एक मतभेद एक था उसे दूर कर लिया गया है। कोई समस्या नहीं है, आज न्यायालय का कार्य पूर्वक होगा। इसी दौरान अधिवक्ता एसडीएम के ऑफिस में पहुंचे और नाराजगी व्यक्त की। मामले में पूरनपुर एसडीएम अभिषेक गुप्ता ने बताया कि उनके द्वारा कोई भी अभद्रता नहीं की गई है, बल्कि उनसे आगे की कुर्सी पर बैठने की बात कही थी। फिलहाल अधिवक्ता संघ और एसडीएम के बीच काफ़ी देर तक बातचीत चलती रही, जिसके बाद दोनों लोगों में आपसी समझौता होकर सहमति बन गई। एसडीएम ने कहा कि आगे किसी भी अधिवक्ता को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।